Hello, let's start your class. एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, क्विकली के करके सॉल्व करो. एंड चैट बॉक्स में लिखते रहो. क्या बोला फर्स्ट का? Which of the following will lead to a leftward shift in the demand for cars? तुम्हारा आवाज भी जा रहा है इसमें. ये छोटा रूम है, हाँ जाते हैं इसमें. लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कैसे होगा? फॉल इन द प्राइस से आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो सब्स्टिट्यूट है, तो इसका राइटवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ फॉल है ना. हाँ लेफ्ट वर्ड नॉट राइट वर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्या होगा? तुम लोग मैक्रो देख के हिल जाते हो थोड़ा सा, बट ये मैक्रो नहीं है. हाँ नॉट नॉट अ फीचर, ये फीचर है. फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट इन टू वेरियस, ये फीचर है. कैपिटलिस्ट में जिसको जिसमें मन वो उस इंडस्ट्री में एग्जिट एंट्री एग्जिट. अब तो फिर क्या, अब तो ए और सी बचा. सी होगा, वेरी गुड जानवी. स्टेट ओनरशिप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट ओनरशिप फॉर ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो स्टेट ओनरशिप इज नॉट अ फीचर. बोलो नेक्स्ट. यूनिट्स ऐसा है पीपीसी. 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कितना होगा? 1 यूनिट ऑफ एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? मतलब बेसिकली 20 यूनिट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 वाई, तो 1 यूनिट ऑफ एक्स इज 80/20 एंड वो इंटू 5 कर दोगे तो कितना आ रहा है? ठीक है ना, चलो वेरी गुड श्रेय. नेक्स्ट. नॉट राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स. ये वाला जो नॉट वाला चीज होता है ना, ये कंफ्यूजन होता है, तो इसको पहले ही मार्क कर लिया करो. तो प्राइस राइज से आपका शिफ्ट नहीं होता है, मूवमेंट होता है. नेक्स्ट. लेफ्ट बोलो चैट बॉक्स में बोलो. वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंक्रीज इन द रियल वेज. अगर रियल वेज इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज. तो बेसिकली क्या बोला है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी 0.8 है. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है विच इज आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. का मतलब होता है क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स हुआ ना, इनटू बी एक्स ओरिजिनल वाला चीज. तो कितना आ रहा है आपका? 200 यूनिट्स ऑफ वाई इज डिमांडेड जब उसका प्राइस 1 है. तो वाई माइनस 200 बेसिकली डिवाइडेड बाय, और पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो
तो क्वांटिटी बढ़ेगा इट्स सब्स्टिट्यूट, और ये 1.1 माइनस 1, फिर ये क्या करे हो 1/200 इक्वल्स टू 0.8 ऐसे कर रहे हो, परसेंटेज चेंज लेते हैं, तो परसेंटेज चेंज कैसे ले रहे हो फिर? सेम थिंग ही आया, ठीक है बोलो कितना आ रहा है वाई का आंसर? हाँ कितना बोली? करेक्ट 216। देख लो सबका आ रहा है क्या? वेरी गुड जानवी, फॉर्मूला देख लो, परसेंटेज चेंज इंटू हंड्रेड कैंसिल आउट हो जाते हैं, वही जो मैंने लिखा था। चलो 7, प्राइस दिया हुआ है, P of good X, Q of good Y. ऑप्शन बोलो। ऑप्शन सी इज द आंसर, कैसे? ऑप्टिमम कंजम्पशन एम यू एक्स बाय पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई बाय पी वाई, सो 50 बाय 40 इक्वल्स, तुम लोग बोल रहे हो 2 ऑफ y, 50 बाय 40, ठीक है तो ये आया। एंड एक चीज और चेक करना पड़ेगा कि क्या खाली ये चेक नहीं होता है, बजट लाइन 2 इंटू 40 कितना होता है? 80। 3 इंटू 40 कितना आता है? तो 120 प्लस 80 इज 200। ये भी चेक करना होगा, दोनों चीज चेक करना होगा, बजट लाइन भी और ये वाला इक्वेशन भी। नेक्स्ट MU 0 है, वेरी गुड रिया। ऑप्शन इज द आंसर, वेरी गुड। कंज्यूमर हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन। इक्विलिब्रियम क्यों पहुंच गया? प्री गुड का मतलब है पीएक्स 0 और एमयू एक्स आपका 0 आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कैन यू मेक द डायग्राम गिवन? यहां पहुंच चुके, बेसिकली यहां 0 है पीएक्स, तो आपका पीएक्स का लाइन यही है, तो ये वाला। हर चीज में जब डायग्राम इमेजिन करोगे तो डायग्राम्स भी आपका इंप्रूव होगा। नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, एवरेज रेवेन्यू किसके बिल होना चाहिए? हाँ हाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरी गुड। शॉर्ट रन नेक्स्ट, नॉट अ फीचर, ये वाला होगा। प्राइस इक्वल्स एमसी नहीं होता है, प्राइस इज नथिंग बट ए आर, तो ये फीचर पीसी का होता है खाली। ट्रू, इतना भी फास्ट नहीं करना कि गलत बोल दो आंसर। पढ़ो अच्छे से वापस। अंडर ऑलिगोपोली फर्म्स मेक डिसीजंस विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ अदर, ये होता है कि इसका उल्टा होता है। गया 1.5 मार्क्स,
फिर जोर जोर से बोल रहे, तुम्हारा आवाज उन लोगों को सुन रहा है, उन लोगों खाली मेरा आवाज सुन रहा है, तुम्हारा नहीं। वेरी गुड रिया जानवी, श्रेय श्रेय ए होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑल द फर्म्स आर नॉर्मल प्रॉफिट्स, बाकी तो फॉल्स है। होमोजेनस थोड़ी होता है, सिमिलर नॉट सेम, और ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट, डुओपोली, प्रॉफिट पे ऑफ्स, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कौन सा है? जब फर्म ए फर्म बी हाई कर रहा है तो फर्म ए क्या करेगा? लो करेगा। जब फर्म बी लो कर रहा है तो लो करेगा, तो इसका डोमिनेंट लो हो गया। सिमिलरली इसका देखते हैं, जब फर्म ए हाई करेगा तो ये लो करेगा, जब लो तभी भी लो, तो लो लो इज द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट 13, प्रॉफिट पे ऑफ दिया हुआ था ना, कॉस्ट यूजुअली दिया नहीं रहता है, प्रॉफिट पे ऑफ रहता है। गेम थ्योरी में हम लोग हमेशा प्रॉफिट पे ऑफ का ही डायग्राम बनाते हैं यूजुअली। क्या बोला है? दो मार्केट है एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेट्स व्हेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। इन सर्च सर्कमस्टांसेस इट्स मार्जिनल रेवेन्यू। याद करो, हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 9 में किया है, उसमें जब टीडी पीडी करते थे थर्ड डिग्री, तो दो मार्केट होता था, हम लोग क्या बनाते थे। इसमें इन्होंने बोला है, इन सर्च सर्कमस्टांसेस एमआर ऑफ मार्केट वन इज इक्वल टू प्राइस नहीं होगा ऑब्वियसली, इसमें भी प्राइस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोला है। एवरेज कॉस्ट भी नहीं होगा, मार्जिनल रेवेन्यू ही होगा ना, क्योंकि अगर मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का सेम है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट्स व्हेन प्रॉफिटमाइजिंग, तो बेसिकली हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, अगर दोनों का एमआर सेम है तो आपका एमसी दोनों में अलग होगा, तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट अलग अलग आएगा, है ना, एंड तभी आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो प्राइस इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, पहली बात। प्राइस इन मार्केट टू का, प्राइस इन मार्केट वन सेम नहीं हो सकता बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऐसा बोला नहीं है। एंड एवरेज कॉस्ट से कोई लेना देना है नहीं मार्केट वन के एमआर का। तो अगर दोनों का कॉस्ट, जैसे दोनों का ये आपका एमआर सेम है, दोनों का कॉस्ट कर्व्स अलग होगा, तभी तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट अलग होगा एंड तभी तो आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा। वही चीज बोला, थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ नहीं बोला ना वो चीज, और बाकी ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, निगेट कर रहे हैं, बाकी नहीं हो सकता तो यही होगा, फिजिबल यही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये आई है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो सी प्लस आई इक्वल्स वाई कर दो, जी कुछ दिया हुआ नहीं है, जी भी नहीं होगा। इक्वेट करने से आ रहा है वाई का आंसर 470? वाई कितना आ रहा है? 520 आ रहा है, तो 520 इसमें डालेंगे तो कंजम्पशन ही आ रहा है, तो ये हो गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 नहीं होगा, कैसे? मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1/0.25, विच इज 4, ये होता है ना आपका एमपीसीडी। चलो नेक्स्ट, 15 नंबर। राइज इन एडी, जानवी का आंसर आ गया, विच इज करेक्ट आंसर,
डी डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होगा तो ऑब्वियसली सेविंग्स बढ़ेगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा एंड एडी इंक्रीज। आउटपुट 2 मिलियन, तो ये वाई हो जाएगा। नहीं, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग गुड एक्स सेल्स इट आउटपुट फॉर 2 मिलियन। इन प्रोड्यूसिंग गुड एक्स द कंपनी बाइज रॉ मटेरियल ऑफ 8 लाख, यूजेस 2 लाख वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज अ लेबर कॉस्ट ऑफ 4 लाख। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी टू द जीडीपी? इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं? हाँ श्रेय बोलो, तो इतना इजी क्वेश्चन क्यों देते हैं इन लोग? क्या होगा टोटल कॉस्ट? कितना लग रहा है? 8 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ? 14। और सेलिंग प्राइस कितना है? जो भी 2 मिलियन, तो 2 मिलियन माइनस 1.4 मिलियन कितना आया? 0.6 मिलियन। यही तो होगा और क्या होगा? और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। 2 मिलियन नहीं हो सकता, 8 मिलियन आई डोंट नो वेयर दे आर गेटिंग दिस फिगर फ्रॉम, एंड 3 मिलियन नहीं हो सकता। और इन्होंने पता है क्या लिखा है एग्जामिनर्स रिपोर्ट में? कि दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट उसका दिया नहीं है ना 14 मिलियन, तो ये सेल्स वाला तुम बेसिक। हाँ 2 मिलियन क्यों किया होगा? समझो तुम्हारा 8 मिलियन किसी और ने कंट्रीब्यूट कर चुका है। दिस इज जीवीए मेथड, दिस इज व्हाट ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। 8 मिलियन जिसने रॉ मटेरियल्स भेजा उसने आपका ऐड किया है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी भेजा उसने 2 मिलियन नहीं सॉरी 0.2 मिलियन ऐड किया है, जिसने लेबर प्रोवाइड किया उसने ऐड किया। आपका क्या वैल्यू एडिशन है? माइनस करोगे तो दैट इज योर वैल्यू, दिस इज जीवीए मेथड। क्यों कंफ्यूजन हुआ? नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट मेथड होता तो आप लोग कॉस्ट को ऐड करते सारा। चलो नेक्स्ट 17। ये एमपीसी दिया है, ये टैक्स रेट है, ये जी दिया हुआ है। इस ट्रू तो आफ्टर टेकिंग द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज दिस एंड द रेट ऑफ टैक्स इज दिस, ठीक है ना? तो अगर इनकम बढ़ेगा तो आपका एक्चुअल में मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे बता सकते हो? हाँ, वेर यू हैव टैक्स इनटू अकाउंट आप कैसे निकालते हो? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 50 मिलियन, एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 10 मिलियन विल इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय हाउ मच? अगर हम इन दोनों का बात करें, दोनों में 10 मिलियन है। देखो एक में बोल रहे हैं नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है 25 से, एक में बोल रहे हैं 10। सो 10 मिलियन का इंक्रीज 10 मिलियन, तो ये तो नहीं होगा कि जी आपका 10 से हो, तो ये तो क्लियर कट नहीं है ऑप्शन। अगर कभी आपको डिफिकल्टी लगे तो ऐसे बेवकूफ के जैसे बैठ मत जाना, ठीक है? निगेशन मेथड यूज करना। द सिंपल क्लोज्ड इकोनॉमी मल्टीप्लायर इग्नोरिंग टैक्सेस इज 2। अगर हम लोग इग्नोरिंग टैक्सेस करें तो 1/0.2 होगा, तो ये भी गलत है।
नीचे वाला बोला है इंक्लूडिंग टैक्सेस इज 5, तो इंक्लूडिंग टैक्सेस तो 5 है ही नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी। जब भी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे हमेशा निगेशन मेथड। देखो एक सेकेंड, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, जहां पे नीचे में हम लोग ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग कैसे निकाले थे? ऐसे निकाले थे एमपीसी। सिमिलरली इसमें भी निकालेंगे। देखो 17 में, ऑल दो हम लोग का हिट एंड ट्रायल मेथड से सी आया था, क्योंकि ये तीनों आंसर नहीं है, तो यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे लिखोगे सी इज बेसिकली सी। अगर हम लोग को वो नहीं भी पता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला जो होता है वो, अगर हम लोग को नहीं भी पता, बट दिस इज 0.8, ठीक है। अच्छा आई शेयर माई स्क्रीन, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया, सॉरी। तो मैंने अभी बोला कि ये जो सम हमने किया था, सम नंबर 31, इसमें जो हमने प्रोसेस यूज किया था, सेम प्रोसेस हम लोग इस सम में भी कर सकते हैं। आंसर आ गया था, बट स्टिल 0.8y माइनस 0.25y नहीं हो जाएगा, बिकॉज 0.8 ऑफ y d होगा ना। फॉर एग्जाम्पल योर सी इज सम ए वाला टर्म प्लस 0.8 इंटू दैट एंटायर थिंग, तो ये हो गया। एंड लेट्स से सपोज 50 इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो वाई इज बेसिकली इक्वल्स टू दिस एंटायर थिंग, है ना। तो अब आपका ये क्या हो गया, 0.8 इंटू 0.75 कितना होता है, 0.6 वाई। सो दिस इज योर एमपीसी ऑफ द इनकम, नॉट द डिस्पोजेबल इनकम। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.6, विच इज नथिंग बट राइटिंग लाइक दिस, 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस 0.25, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 2.5। दिस इज योर मल्टीप्लायर। सो इफ 10 मिलियन का अगर आपका इंक्रीज है, सो आपका नेशनल इनकम इज गोइंग अप बाय 25 मिलियन। सेम थिंग व्हाट वी डिड इन दैट सम 32 या 33, जो भी सम नंबर था, ठीक है। नहीं आ रहा था, अभी क्लियर है? इसको पूरा ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसको लिख लो, ये वाला फॉर्मूला को याद रखना, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स। ऑल राइट।